surgical strike, air strike, pinpoint strike. पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के पास जंगल में क्यों आग लगाई? आईएसआई का पूरा कच्चा चिट्ठा भारत की सेना को पता है। आईएसआई किन रास्तों से आतंकी घुसपैठ कराने में लगी है सेना को पता है। पीओके में कितने टेरर कैंप हैं सेना को सब पता है। किस टेरर कैंप में कितने आतंकी जमा हैं सेना को यह भी पता है। आतंकियों के पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं ये सब भी सेना जानती है। एलओसी के पास कहां कहां आतंकियों के लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं एक एक लोकेशन की जानकारी है। पीओके में दहशत गर्दों की कैसे ढाल बनी हुई है ये पाकिस्तान की सेना इसकी पुख्ता जानकारी है। कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश रच पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब पाकिस्तान को एक बार फिर एयर स्ट्राइक का खौफ सताने लगा है। पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ गई है। आतंकियों को सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा सताने लगा है। सर्जिकल स्ट्राइक के डर से आतंकियों की नींद उड़ी हुई है। आतंकियों को सुरक्षा देने वाली पाकिस्तानी सेना डरी हुई है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली आईएसआई को भी नाकामी का खौफ सता रहा है। बड़ा सवाल है क्या रात के अंधेरे में एक बार फिर लिखी जाने वाली है सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रिप्ट? क्या एक बार फिर बॉर्डर पार कर भारत की सेना आतंकियों के खिलाफ खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है? वजह नंबर एक, श्रीनगर बारामूला हाईवे पर बम डिफ्यूज किया गया। वजह नंबर दो, आतंकियों की घुसपैठ कराने में लगा है पाकिस्तान। वजह नंबर तीन, एलओसी के पास जंगल में आग लगाने की साजिश का पर्दाफाश। वजह नंबर चार, आतंक के नेटवर्क को तोड़ने लगी भारतीय सेना। वजह नंबर पांच, राजौरी में सेना की एक पूरी ब्रिगेड की तैनाती। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों की पूरी साजिश को नाकाम कर दिया है। आप सुन सकते हैं बहुत जबरदस्त धमाका हुआ, तो इसी के साथ ही एस आई डी को नाकारा किया गया, एस आई डी को तबाह कर दिया गया, एस आई डी को यहां पे तबाह कर दिया गया एक कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए। वो थी आई डी, ये एग्जैक्ट स्पॉट है जहां पे ये आई डी रखी गई थी, और आई डी को नाकारा करने के लिए यहां पे आर्मी के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया था, और बिलाखिर इस आई डी को एक धमाके के साथ जो है वो तबाह कर दिया गया। दूसरी ओर पुंछ में आतंकियों की तलाश में बहुत बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल ने आतंकियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुंछ से आतंकियों की मददगारों को हिरासत में लिया गया है, जबकि सीमा पार से पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा बल को श्रीनगर बारामूला हाईवे पर लवाएपोरा में संदिग्ध आईईडी मिली। संदिग्ध आईईडी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता हरकत में आया और वक्त रहते एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। ये जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से उरी की तरफ जाने वाला ये रास्ता बारामूला, जिस जगह पर यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ ये आईडी रखा गया था, उरी तक श्रीनगर बारामूला हाईवे ये है, और इसी हाईवे पर आगे जाकर कई महत्वपूर्ण रास्ते हैं और टूरिस्ट प्लेस भी है पाकिस्तान से बेहद करीब, और इस जगह का इस्तेमाल किया गया। और हालांकि इसके बारे में खबर तो ये भी मिल रही है कि कुछ ऐसे संदिग्धों की भी पहचान हो चुकी है जिन्होंने आतंकियों को मदद दी है। गुलमर्ग तक ये रास्ता जाता है हाईवे, ये जो है कुवाड़ा और गुलमर्ग जाता है। हम सभी जानते हैं नए साल का ये समय गुलमर्ग बड़ी संख्या में यहाँ जो टूरिस्ट है वो आते हैं, पहुंचते हैं। बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी की हत्या भी की गई थी। इस जगह को टारगेट खासकर के इसलिए किया गया, जैसा सुबह से ही बता रहे थे आपको न्यूज 18 इंडिया के रिफर, कि यहाँ पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए वो आईडी रखा गया था। पुंछ में डेरा की गली में हुए हमले के मामले में पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है। ये वो लोग हैं जो डेरा की गली के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। हिरासत में लिए गए लोगों पर आतंकियों की मदद करने का शक है। पुलिस अब इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि पीओके से 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है।
पीओके और एलओसी से इंटेलिजेंस को एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है जिसके मुताबिक पाकिस्तान आतंकवादियों के कई ग्रुप तैयार कर रहा है और इसके लिए उसने उनके ट्रेनिंग कैंप कई क्लस्टर में एक्टिव किए हैं। रिपोर्ट तो ये भी है कि पाकिस्तान ने सभी लॉन्चिंग पैड एलओसी के आसपास एकदम तैयार कर दिए हैं। पुंछ के डेरा की गली में हुए आतंकी हमले के बाद से ही लगातार एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश बढ़ गई है। आतंकी साउथ के पीर पांजाल के इलाके में राजौरी पुंज से लेकर अखनूर सेक्टर तक लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 200 से 250 आतंकी सीमा के उस पार लाइन ऑफ कंट्रोल पर बने लॉन्च पैड पर मौजूद हैं और घुसपैठ की फिराक में हैं। इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के साथ साथ अंदरूनी इलाके में भी जम्मू कश्मीर पुलिस और बीडीसी मेंबर्स फुल एक्शन मोड में हैं। एलओसी के पास भारतीय सेना के कैंपों में हलचल बढ़ी हुई है। 25 दिसंबर को आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने पुंछ का दौरा किया था। 27 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे, सेना के कमांडरों के साथ राजौरी का दौरा किया। रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बैक टू बैक दौरे के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को खौफ सताने लगा है कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। आपके शौर्य और पराक्रम पर दोस्तों हम लोगों को पूरा विश्वास है। आप आगे बढ़िए, आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से होना चाहिए, इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आप विजय हासिल करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है। सेना ने आतंकियों के खात्मे और आतंक के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी कमर कस ली। सोमवार को आर्मी चीफ के दौरे के बाद, राजनाथ सिंह के घाटी दौरे के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी चौकन्ना है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के राजौरी दौरे के बाद सेना ने बड़ा फैसला ले लिया। आज से ही राजौरी में अतिरिक्त जवानों की तैनाती होगी। तफसील से आपको बताते हैं कि यह तैनाती कैसे होगी और राजौरी में सेना की एक पूरी ब्रिगेड तैनात यहां पर की जाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल 4 से 5 बटालियन से बनती है एक ब्रिगेड। अब यह भी जान लीजिए कि एक बटालियन में आखिर कितने जवान होते हैं। इनकी तादाद 1200 होती है, 1200 जवान, मतलब अतिरिक्त 6000 जवानों की अब तैनाती होगी। इस वजह से भी पाकिस्तानी सेना के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान की सेना जल्द से जल्द कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करना चाहती है। अपनी इसी साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सेना ने एलओसी से सटे जंगलों में आग लगा दी। दरअसल आग की आड़ में वो आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में लगे थे। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का तरीका है और कुछ दिन पहले ऐसी ही कोशिश खौर सेक्टर में की गई थी जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक का नंबर किसी भी वक्त लग सकता है। मुजफ्फराबाद से कोटली और नीलम घाटी से एलओसी पर एक एक कैंप की जानकारी भारतीय सेना के पास है। न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक लॉन्च पैड एलओसी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है ताकि घुसपैठ में ज्यादा वक्त न लगे। आतंकियों के ये क्लस्टर मंशेरा में है, मुजफ्फराबाद में है, कोटी में है और मुरीदके के साथ बहावलपुर में है। मंशेरा पाकिस्तान में है और यहाँ बालाकोट, गढ़ी हबीबुल्ला और बतरासी में टेरर कैंप है। मुजफ्फराबाद पीओके में है और यहाँ चेलाबंदी, सवाई नाला, मुस्करा अक्सा और धुलाई नाला में टेरर कैंप है। कोटली भी पीओके में है और वहाँ गुलपुर, सेंसा, बराली और दुंगी में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिल रही है। मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक पाकिस्तान की सेना इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। उसका पूरा फोकस घुसपैठ कराने पर है। पाकिस्तानी सेना की एक ब्रिगेड कोटली में मौजूद है और इस ब्रिगेड के ऊपर घुसपैठ कराने की जिम्मेदारी है। इसीलिए इसके अफसर गुलपुर, सेंसा समेत अनेक उन इलाकों के कैंपों का दौरा कर रहे हैं जहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना पर बेहद दबाव है क्योंकि उनके पास बड़े अटैक दिखाने के नाम पर पुंछ और अनंतनाग के हमलों को छोड़कर कुछ भी नहीं था। और पाकिस्तानी सेना पर दबाव इसलिए भी है क्योंकि उन्हें कहा गया है कि वो कुछ और बड़े हमले कर दिखाएं। पाकिस्तान की तरफ घुसपैठ की कोशिश हमेशा होती रहती है क्योंकि कश्मीर के अंदर आतंकियों को मदद चाहिए, उनको इस वक्त असलहे से लेकर बाकी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। नीलम घाटी यानी नीलम नदी के आसपास ऐसा इलाका है जहां एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की पोस्ट के बीच
दूरी कई जगह 100 मीटर से भी कम रह जाती है। यहाँ भारत और पाकिस्तान की फौज एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। कुपवाड़ा और बारामूला में LOC के पास ऐसे इलाके हैं जहाँ किशनगंगा नदी गुजरती है। इस नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। यही नदी है जिसे पार करके आतंकवादी भारत में दाखिल हो जाते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स बराबर मिलती रही हैं कि ट्रेनिंग कैंपों की लोकेशन लगातार बदली जा रही है। पाकिस्तान अब आतंकियों को ऐसे कैंपों में ट्रेनिंग दे रहा है जिनको एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ट्रांसफर किया जा सकता है। POK के हाजिरा में एक बड़ा आतंकी कैंप है और यहाँ पाकिस्तानी सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी है, इसलिए इस कैंप में आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान की सेना के बड़े अफसरों की देखरेख में होती है। इसके अलावा वहीं नीलम घाटी के पास POK में काली घाटी इलाके में भी टेरर कैंप एक्टिव हैं। खबर है कि पाकिस्तान आर्मी आतंकवादियों के लिए बंकर बना रही है। इसमें अंडरग्राउंड बंकर भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान को डर रहता है कि शेलिंग के बाद अगर भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करती है तो ये आतंकी सस्ती मौत न मारे जाएं। इसलिए लश्कर और जैश के बड़े कमांडरों की देखरेख में ये कैंप 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। आतंकवादी कई किलोमीटर पहाड़ों को पार करते हुए घुसपैठ करते हैं। नदियों और नालों के बीच होते हुए जंगलों से गुजरते हुए आतंकवादी भारत के हिस्से वाले कश्मीर में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन इनकी लॉन्चिंग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होती है जहां बने हैं लॉन्चिंग पैड। यहां आतंकवादियों को पहुंचाने से पहले दो तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, या कह सकते हैं कि उनको दो आतंकवाद वाले कोर्स कराए जाते हैं। पहला कोर्स 3 महीने का है जिसमें आतंकवादियों को एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है। उनको AK-47 जैसे कुछ छोटे हथियार चलाना सिखाया जाता है। दूसरे कोर्स में उन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है, जंगलों में जिंदा रहना और GPS और वायरलेस जैसी कई तरह की तकनीकी ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाती है। भारत के पास पाकिस्तान के प्लान की पूरी रिपोर्ट है। बोकारा से लेकर मुजफ्फराबाद तक आतंकवाद के कारखानों की पूरी लिस्ट तैयार है। इस वक्त सेना के पास पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और ISI के बैकअप की पूरी रिपोर्ट है। पाकिस्तान को भी पता है कि भारत की सेना मनशेरा में कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, मुजफ्फराबाद में कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकती है, साथ ही कोटली में मौजूद आतंकी कैंपों पर भारत की सेना कभी भी कोहराम मचा सकती है, जिसे फौजी जुबान में सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है। जाहिर है सब कुछ पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक मिलती नाकामी से ISI बुरी तरह से परेशान है। यही वजह है कि आतंकियों के घुसपैठ की नई नई साजिशों को वो अंजाम देने में लगी है, लेकिन भारतीय सेना की चौकसी से उसके सभी मंसूबों पर पानी फिरता जा रहा है।